तो आप लोगों को पता है मेरे जो वीडियोस होते हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जो गार्डनिंग तो करना चाहते हैं पर उनके पास पैसे नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ू लेकर आती रहती हूँ। आज आप देख सकते हैं मेरे बगल में क्या कितनी प्यारी सी बकेट, और ये साथ में मैंने उससे बनाया हुआ गमला रखा हुआ है जो कि बहुत ही डिजाइनर। अब आप इसका डिजाइन देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। और ये मैंने टूटी हुई बकेट से बनाया हुआ है, देखिए आप भी अपनी टूटी हुई बकेट या कोई भी चीज से यूज करके बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने इसको बना दिया है, बिल्कुल भी कठिन नहीं होता, बहुत ही ईजी होता है इसे बनाना। अब आप इसकी डिजाइन देख सकते हैं, मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। ये भी देख सकते हैं कि इसमें मैंने कितना प्यारा सा स्टैंड टाइप का बनाया हुआ, ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये जो डिजाइन है ये इसका स्टैंड बन जाएगा और बहुत ही अच्छे से ये ऐसे रख जाएगा। देखिए मेरा गमला कितना ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आप भी ऐसी डिजाइन बनाना चाहते हैं और बहुत ही आसान होता है बनाना, तो आप मेरे साथ वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर बने रहिए, मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से बनाया जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूर्णिमाज आर्ट। आज आप देख रहे होंगे मेरे पास ये कबाल में पड़ी हुई डलिया है जिससे मैं आपको बहुत ही प्यारा सा गमला बना के सिखाने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले हम टेप लगा लेंगे। टेप लगाते समय हमें ये याद रखना है कि टेप जब भी हम लगाएं तो इसमें अच्छे से इसको प्रेस करते जाएं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, और जितनी भी जालियां हैं हमें कोई भी जाली छोड़नी नहीं है, वरना हम जैसे ही सीमेंट लगाएंगे तो वहां से मसाला निकल के आएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से इसमें टेपिंग कर लेनी है। तो अब आप देख रहे होंगे मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह से टेपिंग कर दी है। अब मैं इसमें मसाला बना के तैयार करूंगी इसमें डालने के लिए। मैंने इसमें एक कटोरा पूरा रेत ली हुई है और एक कटोरी में इसमें कटोरा में इसमें ये सीमेंट ले रही हूँ। हमें इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और इसमें जो भी कंकड़ आपको दिखें तो वो हमें सारे के सारे बाहर निकाल देने हैं, क्योंकि बनाने में वो ऊंचे ऊंचे से आएंगे, डिजाइन सही नहीं बनेगा, इसलिए उनको बाहर कर देंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप जब भी ये मसाला तैयार करें तो आप, मैंने ग्लव्स नहीं पहना हुआ है, मेरे पास एक्चुअली है नहीं, तो आप लोग अपने ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें ताकि आपके हाथ में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। पानी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी सूखी सीमेंट डाल दूंगी, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको भी ऐसे सूखी सीमेंट डाल देनी है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जब मसाला हम इसमें लगाएं तो ये अच्छे से चिपक जाए। ऐसे इसमें लगा देना। अब इसके बाद मैं इस मसाले को इसमें लगाऊंगी। अब हमारे पास या किसी के पास वो सारी चीजें नहीं होती है जो जो बाजार में जो वो लोग बेचते हैं वो सब इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो मैं इसके लिए मैंने जुगाड़ बनाया है। मैं एक चम्मच का यूज करूंगी, मैं इस चम्मच का यूज कर रही हूँ इसको ऐसे बराबर करने के लिए और इसमें मसाला लगाने के लिए। आप भी इसका यूज कर सकते हैं। देखते जाइए मैं कितने आसान तरीके से इसको कितना अच्छा बना के तैयार करती हूँ। आप वीडियो बिना स्किप करे देखते जाइए कि इसको किस तरह चम्मच से बहुत ही आसानी से मैंने इसमें लगाया हुआ है। आप भी ऐसे किसी भी चमचे या चम्मच का यूज करके अपने घर में लगा सकते हैं, तो बहुत ही आसान होता है इसको बनाना। हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने होते हैं कि हमें मार्केट से कुछ लेने जाना पड़ेगा या फिर वो जो मिस्त्री जिसका यूज करके बनाते हैं उससे चाहिए। मैंने बिल्कुल आपके आप देखते जा रहे हैं मैंने इस चमचे का यूज करके बना दिया है इसको, बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। बस आप ध्यान देते जाइए मैंने इसको कैसे बनाया है, आप भी ऐसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। मैं बीच बीच में सूखी सीमेंट का भी यूज कर रही हूँ इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा ढीला ढीला सा हो गया था, तो हमें इसको ड्राई करने के लिए आप भी ऐसे सूखी सीमेंट का यूज करते जाइएगा। अगर आपको लगे कि ये चिपक नहीं रहा है तो उससे आसानी से चिपकने लगेगा। और जब भी आप ये मसाला बनाएं तो आप ये याद रखें कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, नॉर्मल ही इसको टेक्स्चर रखना है कि बहुत गीला ना हो, नॉर्मल ही हो, और फिर आसानी से उसको ऐसे ऐसे जमा देंगे। और इसकी बॉर्डर बनाने के लिए मैंने हाथों का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हाथ से मुझे लग रहा था इजीली बन जा रही है, तो बाकी मैंने इसमें हाथ से लगाने के बाद मैंने चिकना इसको चम्मच से ही किया। आप देख सकते हैं, आप भी ऐसे आराम से इसको चिकना कर लीजिएगा। और इसके बाद जैसे ही ये सारा का सारा उठ जाएगा फिर मैं इसका चम्मच की मदद से जितनी बॉर्डर उठी हुई दिख रही है इसको काट दूंगी।
और लास्ट में मैंने इसको बहुत अच्छी से चिकना करने के बाद मैंने थोड़ी सी गीली सीमेंट ऐसे बना के इसकी बॉर्डर से और ज़्यादा अच्छी तरह से चिकना कर दिया था, ताकि कहीं से भी इसमें कुछ भी जो उसकी बॉर्डर बने वो उठी और बैठी ना रहे, इसलिए मैंने इसको उंगली से भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं मेरी गमले की बॉर्डर कितनी अच्छे से बन के तैयार हुई है। अभी आप देखती जाइए मैं इसमें क्या क्या करती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे से जमा दिया है और अब मैं इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसमें छेद कर दूंगी। इसी टाइम आपको भी इसमें छेद करना है। जैसे इसमें छेद कर देंगे उसके बाद हमें इसी सिचुएशन में इसे पूरे 2 दिन के लिए इसे छोड़ देना है। उसके बाद हम इसे उल्टा करके निकालेंगे। देखिए मैंने इसको उल्टा कर दिया है, ऐसे आपको भी उल्टा कर लेना है। इसके बाद मैं इसकी सारी की सारी जो मैंने पॉलिथीन लगाई थी इसको ऐसे आराम से निकाल देंगे। मैं आपसे ये कह रही हूँ जैसे भी हमें ये गमला जब भी निकालें आप तो नीचे फर्श में जरूर कुछ ना कुछ बिछा लें, क्योंकि डायरेक्टली फर्श में निकालेंगे तो ये गमला चटक सकता है। तो हमें ये याद रखना है मैंने इस पैरदान को बिछा लिया है क्योंकि इससे इसमें डायरेक्टली ठोकर नहीं लगेगी। तो आप भी जब भी निकालें तो किसी ना किसी चीज़ का यूज़ कर लें, आप किसी कपड़े या कोई दफ्ती कार्डबोर्ड किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसकी सारी की सारी टेपिंग हटाने के बाद जो भी इसका सीमेंट या मसाला बाहर की तरफ आ गया था तो मैंने इस चाकू की मदद से उसको बिल्कुल आराम आराम से सारा का सारा क्लीन कर दिया। और जब हम क्लीन कर देंगे तो ये अपने आप ही छूट कर नीचे चला जाता है गमला, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना होता है इसको निकालने के लिए, बहुत ही आराम से ये निकल के बाहर आ जाता है। आप देखते जाइए मैं इसको किस तरह से पूरा क्लीन करने के बाद इसको मैं निकालती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो गमला है नीचे खिसक के आ चुका है। अब इसे हम आराम से ऐसे डरिया से, और ये देखिए कितनी प्यारी और सुंदर डिजाइन बनके तैयार। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मैंने जो आपको टाइमिंग बताई है उसी टाइम इसको आप उसको निकालना है, सब करना है। और इसके बाद ये देखिए मेरा कितना अच्छा और कितनी सुंदर डिजाइन बनके तैयार हुई है। और अब आप देख रहे हैं मैं इस गमले को अपने इस पानी में डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत सारे गमले जमे हुए रखे हुए हैं, कुछ मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, तो मैं इसी में इसको पानी में डाल दे रही हूँ। बस इसको आप अच्छे से इसको इसमें डाल देना है। और ये चीज़ याद रखेंगे कि जो हमने पानी में डाल के रखा हुआ है इसे मात्र मुझे 4 या 5 दिन के लिए ही इसमें डाल के रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद फिर उल्टा करके रख देंगे इसको और सूखने के लिए 4-5 दिन के लिए धूप में छोड़ देंगे, जिससे कि अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद ही हम इसमें कलर करके और इसको फिर यूज़ करेंगे, उससे पहले हमें नहीं करना है, वरना अगर गीले गमले पे हमने डायरेक्टली पौधे लगाए तो ये चटक सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, पानी का विशेष खास करके ध्यान रखना है। आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक भी पानी में डाल के इसको नहीं रखना है। और मैं आपको बता दूं, मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि जैसे इसमें होल है और इसमें पानी भरेंगे हम तो पानी बाहर निकल जाएगा, तो हमें क्या करना है? अगर इसका होल है तो उसमें आप मिट्टी लगा दीजिए, मिट्टी लगाएंगे तो पानी बाहर निकलता नहीं है। और इसके बाद जब हम ये गमला सूख जाएगा, पानी इसमें 3-4 दिन हो जाएगा, तो फिर जब हम इसे निकालेंगे तो मिट्टी बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ से बाहर निकल जाएगी, तो आप पानी लगा के आप भर सकते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने आप बहुत सारे गमले जमा के रखे हुए हैं। अगर आपको भी बहुत सारे मेरे वीडियोस, मैंने बहुत डिज़ाइन के गमलों के अपलोड किए हुए हैं, अगर आपको देखना है कि मैंने किस तरह से बनाया तो आप मेरे चैनल पे जाके वो सारे डिजाइन देख सकते हैं। गमले बनाना बहुत ही आसान होता है, मैंने एक भी गमला मार्केट से परचेस नहीं किया हुआ है। जितने सारी डिज़ाइनें आपको दिख रही हैं गमले की, सब मैंने घर में खुद ही बनाई हैं। जैसे मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें वो गमले 250-300 रुपए से स्टार्टिंग होती है, गमले मिलना तो बहुत महंगे पड़ता है। और मैं 250-300 रुपए के यहाँ पे 30-40 गमले बना दिए मैंने, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो के बहुत सारे वीडियोज़ जो मैंने डिज़ाइन बनाई उनकी लिंक डाली हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कितने अच्छे डिज़ाइन के मैंने गमले बना रखे।
रखें। और अब आप देखिए मेरा गमला सूखने के बाद कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे मेरा वर्क अप्रिशिएट करिए। प्लीज़ एक कमेंट करके जाइए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।